आखिरी पड़ाव जहां पर हम आपको निवेश की जुगलबंदी अब करके दिखाएंगे। ये जुगलबंदी बहुत दिलचस्प है क्योंकि हमारे साथ हैं एक युवा निवेशक और एक ऐसे निवेशक जिनकी उम्र 75 साल है, मोहित मोरियानी जो कि एक युवा निवेशक है और किशोर कुआवाला जो कि वरिष्ठ निवेशक है, और दोनों अपने अनुभव के मुताबिक हमको बताएंगे कि निवेश के सफर में उनके लिए क्या बदला है, क्या खास रहा है और क्या अनुभव रहा है। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में और आप दोनों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले किशोर जी, शुरुआत में आपसे करूंगी, 75 साल का इन्वेस्टमेंट का सफर जो आपकी जर्नी है वो कब से शुरू हुई? आपकी और आपके आसपास जो भी आपके जानकार रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट को कैसे समझते थे, अगर मैं 75 साल पहले की बात करना चाहूं तो? देखो, जब मैं छोटा 8 साल का था तब मुझे एक डब्बा दिया गया था कि जो भी कुछ पैसे बचते हैं, कोई गेस्ट घर पे आता है और वो तुमको देकर जाता है तो उनमें रखना है। और उसके बाद में वो डब्बा छोटा पड़ने लगा और लगा कि कभी कभी वहां से खर्चा हो जाता है, तो मेरे पापा मम्मी ने मुझे पिगी बैंक लाकर दी। तो अच्छा, तो मुझे लगा था डब्बा आप बोल रहे हैं गुल्लक है, तो गुल्लक आपको बाद में दिया गया अलग से? किशोर जी, पिगी बैंक लाकर दिया। अच्छा, तो पिगी बैंक के माध्यम से क्या हुआ कि कभी भी तुम निकाल नहीं सकते। अभी की पिगी बैंक नहीं थी कि जिनमें ताला लगता है, वो तो तोड़ना पड़ता है। और जब मेरे ख्याल से पिगी बैंक या गुल्लक जो है वो हर किसी के लिए बहुत आम है। इन्वेस्टमेंट या सेविंग की जो शुरुआत है हर माता पिता इसी के जरिए करवाते हैं अपने बच्चों को। मोहित, क्या आपके पास भी पिगी बैंक था? हाँ, मेरे पास पिगी बैंक था, यू नो, व्हेन आई वाज इन फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड। उसके बाद से पिगी बैंक नहीं रखा था। फिर अप टू दैट, यू नो, आई सेव अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन किशोर जी, पिगी बैंक के बाद आपका सफर कैसे बढ़ा इन्वेस्टमेंट की ओर, ये बताएं। और आपके आसपास के लोगों ने, मैं अपने सफर की बात करता हूँ जी, समय थोड़ा सा कम है तो हम संक्षिप्त में बात करेंगे। किशोर जी बताइए, पिगी बैंक के माध्यम से सेविंग हैबिट हो गई? अच्छा, वेरी गुड। जो कुछ मिलता था और वो पिगी बैंक की आवाज सुनकर महसूस होता था कि मेरे काफी पैसे इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो हैबिट के माध्यम से जो पॉकेट मनी जब भी मिलते थे, कि जब फेस्टिवल में कुछ ज्यादा पैसा मिलते थे तो वो सब पैसा अंदर रखते थे। फिर समय ऐसा आया कि हम थोड़े बड़े हुए, 10 साल के हुए, और 10 साल के हुए तो बैंक में पापा मम्मी के साथ में माइनर अकाउंट किया उसमें से। ओह, और मेरी पॉकेट मनी थी सिर्फ 5 रुपया, और 5 रुपये में से 2 रुपया बचा कर जब मैं स्लिप लिखता था 2 रुपये की, उस जमाने 2 रुपया लिया जाता था बैंक में, तो 2 रुपया अंदर भरते थे तो वो आनंद था। विड्रॉल नहीं था, विड्रॉल नहीं था, सिर्फ खाली जमा करना था। और मानिएगा नहीं, मेरी स्कूल इतनी लंबी थी कि बाबुलनाथ से अलंकार चल के जाना है, हम चलकर जाते थे और वो पैसे बचाते थे। और वो हैबिट के माध्यम से सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा इकट्ठा हुआ, और इकट्ठा हुआ 100 रुपीज हुआ तो उसका फिक्स डिपॉजिट बना, और उस टाइम 100 रुपीज की फिक्स डिपॉजिट बनती थी। और उस जमाने में बैंक एरिया वाइज बहुत कम थे, यानी पर्टिकुलर बैंक में अगर जाना होगा तो बहुत लंबे था, तो लोग जो एरिया में जो बैंक अवेलेबल थी वहां पर जाते थे। और दूसरा, तब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब कार्ड नहीं थे, ये सब नहीं होता था, किसी का इंट्रोडक्शन के बिना खाता नहीं खुलता था। तो हम कह सकते हैं कि आपका आपका पहला निवेश जो था वो किया था आपने फिक्स डिपॉजिट में, वो भी अपनी बचत, अपनी पॉकेट मनी को बचाकर आपने जो है वो पैसे इकट्ठा किए थे। मोहित, आपके सफर की बात करना चाहूंगी, आपका पहला इन्वेस्टमेंट क्या फिक्स डिपॉजिट में ही था या आपकी कहानी थोड़ी अलग है?
थोड़ी अलग है, मतलब कि अंटिल थर्ड और फोर्थ में पिगी बैंक में पैसे डालता था एंड आफ्टर दैट यू नो मेरे फादर ने मेरे म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाले एंड उसके बाद स्कूलिंग के बाद कॉलेज तक मेरे पास वो म्यूचुअल फंड्स थे एंड फाइनली मैंने अभी उसमें इन्वेस्टिंग स्टॉप किया है एंड आई इन्वेस्ट डायरेक्टली इन स्टॉक मार्केट्स नाउ. तो माय इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली मतलब कि आई बाय ETFs फॉर लॉन्ग टर्म, बीट स्मार्ट बीटा और इंडेक्स वाले ETFs तो उनमें करता हूँ, देन आई ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ अभी. So I'm more into now in markets than into mutual funds. अच्छा तो आप डायरेक्ट इक्विटी में पैसे लगाते हैं, क्रिप्टो में लगाते हैं पैसे? नहीं मैं क्रिप्टो नहीं करता, मैं अंडरलाइंग नहीं समझता तो I don't invest in what I don't understand. बट आपको इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की जानकारी है, आपको पता है कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है और आपको कितना मुनाफा कमाना है, कितने समय तक रहना है. सो मतलब गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट, रियल एस्टेट, इस तरह से आपने अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया है एसेट एलोकेशन के मद्देनजर? नहीं, मेरा इक्विटी में है एंड आई डू ऑप्शन ट्रेडिंग. सो उसमें से जो भी ट्रेडिंग में से इनकम आती 50% गोज इनटू माय लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो. अच्छा तो आपने बकायदा एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जहाँ पर आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के गोल्स रखते हैं और उसके मुताबिक निवेश करते हैं. आपकी उम्र क्या होगी मोहित, मैं पूछना भूल गया आपसे. 27. चलिए 27 साल की उम्र है इनकी. किशोर जी आपने सुना यहाँ पर मोहित बता रहे थे कि वो मैं बता रही थी कि इन्होंने इक्विटी के जरिए अपना पोर्टफोलियो बनाया, लेकिन देखिए हम अगर 75 साल पहले की बात करें तो आपकी शुरुआत हुई फिक्स डिपॉजिट से, उसके बाद धीरे धीरे मेरे ख्याल से आपका सफर बढ़ा और कहीं ना कहीं इक्विटी भी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में शामिल हुआ था. मेरे भी पोर्टफोलियो बाद में शामिल हुए. अच्छा अच्छा मैंने 1975 से इन्वेस्टमेंट शुरू किया. ठीक है. एंड टुडे आई एम होल्डिंग अ वंडरफुल नंबर ऑफ शेयर्स ऑल द एजेंट. पहला शेयर कौन सा था आपका किशोर जी, पहला शेयर कौन सा था, फर्स्ट स्टॉक जो खरीदा था? पहला मेरे हिसाब से मेरा पहला शेयर था कैस्ट्रोल का था. हाँ हाँ अच्छा, कब लिया और कितने में लिया और कितने में बेचा मुनाफा कमाकर? 75 and 80 के बीच में सब. अच्छा. See, I was a banker. अच्छा अच्छा. I was in Bank of Baroda. हाँ हाँ हाँ. And there we have made a habit कि सिर्फ मेरा नहीं बच्चों का भी recurring deposit account करे, ताकि every month कुछ saving उनके खाते में भी बने. और at the end of the year we used to make a fixed deposit in the child name from the birth. And as a result बच्चों के खाते में भी कैपिटल एस्टैब्लिश हो गए. अच्छा और तो ओवरऑल किशोर जी, क्योंकि समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, ओवरऑल जर्नी आपकी इन्वेस्टमेंट की अगर मैं कहूँ तो उसमें फिक्स डिपॉजिट रहा है, उसमें इक्विटी रहा है, रियल एस्टेट और गोल्ड को भी आपने क्या आगे चलकर शामिल किया है? यूनिट ट्रस्ट, यूनिट लिंक प्लान, देन PPF, देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टैक्स सेविंग सिक्योरिटी. हाँ हाँ तो फिक्स इनकम आपके पास ज्यादा रहा आपके पोर्टफोलियो में. मेरा जो इन्वेस्टमेंट था इट वाज द वेरियस टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट. राइट. सो एज अ रिजल्ट एंड आई हैव सीन ऑलवेज द सेफ्टी फर्स्ट देन द रिटर्न. अच्छा. देन द मल्टीप्लिकेशन. तो आप रिस्क लेने से थोड़ा सा घबराते थे उस वक्त? नहीं. सी आई हैव डन द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज कोर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट in 93 to make myself update about the investment part of it and I used to discuss with the various brokers. अच्छा अच्छा चलिए तो आप कम से कम अपनी नॉलेज के लिए लोगों से बात करते थे और समझते थे उसके मुताबिक आपने अपनी रणनीति बनाई है. लेकिन मोहित आपसे मुझे समझना होगा, आप कितना रिस्क उठा पाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स में और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आप किस किस की हेल्प लेते हैं? सो मैम लाइक जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ, लाइक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग मेरा अलग अलग चीज़ है. सो फॉर ट्रेडिंग मैं यूजली माय स्टॉप लॉस इज लाइक यू नो 1% to 1.5% रखता हूँ मेरा रिस्क ऑन द कैपिटल डिप्लॉयड. एंड जब इन्वेस्टिंग करता हूँ आई मेक श्योर कि जो भी मेरे स्टॉक्स है दे शुड नेवर गो डाउन मोर देन 15%. तो यूजली मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऐसे बिल्डअप होता है एंड ट्रेडिंग में से जो भी रिटर्न आते हैं 50% में इसमें डिप्लॉय कर देता हूँ टू एड अप टू माय पोर्टफोलियो. व्हेनेवर द मार्केट यू नो क्रैशेस और करेक्ट्स बाय 2 or 3% तो स्लोली एंड स्टेडीली आई बिल्ड दैट पोर्टफोलियो.
तो मोहित, आप ये मुझे बताएं कि आने वाले वक्त में, जैसा कि आप बता रहे हैं, आप काफ़ी प्लान्ड वे में चलते हैं, किशोर जी की स्टोरी से आपकी स्टोरी या आपका निवेश का सफ़र किस तरह से आपको अलग लगता है? उस जनरेशन से ऐसी कौन सी बात है, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आप सीख पाएं, तो वो कौन सी होगी? I would say, ma'am, कि अभी resources बहुत easily available है online. जब मैंने investing start की थी 2018 में, the first stock I bought was DHFL. So वो तो completely डूबी गया. Like I lost my money in that. Then after that I knew कि you know अभी थोड़ा seriously करना पड़ेगा. And when during the 2020 COVID crash, थोड़ा fundamental analysis सीखा, technical analysis सीखा. And on basis of that I started picking up blue chip companies. So that year was really good. मतलब कि markets also did quite well. So I feel that in that way, you know. Earlier resources available नहीं थे and आप share market में इतने easily नहीं कर सकते थे invest at rate जैसा आप अभी करते. It is just at a click of a button now. पहले ऐसा सब नहीं होता था. So that is something you know, which has changed completely. किशोर जी, बिल्कुल किशोर जी, समय मेरे पास खत्म हो चुका है. बस एक लाइन में जवाब देना चाहूंगी. अभी की पीढ़ी जिस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रही है, हमारा इन्वेस्टमेंट इस प्रकार से होना है कि हमें रात की नींद आए, हमारी नींद नहीं चली जाए, हमें कोई गोलियां नहीं गुंजलियां लेनी पड़े और हम नचिंत सो सके, वैसा हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. जिनमें ज्यादा फ्लक्चुएशन है उनमें ज्यादा गेन है, लेकिन उसके साथ में नींद भी आराम हो जाती है. बिल्कुल सही कहा आपने, निवेश ऐसा हो कि रात को आपको चैन की नींद आए. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस बेहद खास पेशकश में हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. और आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही. मुझे भी इजाज़त दे और रिटिना स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं. नमस्कार.